के जनपद बहराइच पहुंचे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। बहराइच में कार्यकर्ता मीटिंग छोटी बाजार में रखी गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कार्यकर्ता को संबोधित किया। साथ ही साथ जिले में नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन भी किया। वही सपा बसों व कांग्रेस छोड़कर आए हुए लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई, जिसमें जिले के सम्मानित वकीलों ने भी पार्टी ज्वाइन की। वही वकीलों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार के साथ साथ विपक्ष भी नाकाम है। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में पेश करेंगे आर्म्स अमेंडमेंट बिल। वही सूत्रों के मुताबिक नागरिकता संशोधन बिल को बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बीजेपी ने 10 और 11 दिसंबर के लिए जारी किया व्हिप, सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। और भोपाल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। देश में महिला की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के कानून बन रहे हैं, लेकिन लोगों के केस लड़ने वाली वकील ही दुष्कर्म का शिकार हो गई। ऐसे में महिला सुरक्षा के कानून को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली की वकील के खिलाफ दुष्कर्म का एक मामला इंदौर के थाना पुलिस में आया है। पुलिस के मुताबिक महिला वकील आरोपी के साथ इंदौर आई थी। दोनों एक होटल में रुके थे। यहां आरोपित ने शादी का झांसा देकर महिला से संबंध बनाया, फिर मारपीट कर पर्स से रुपए निकाल कर भाग गया। फिलहाल आरोपी की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी।